दोस्तों हम लोग हो गए तैयार और बस जा रहे हैं फंक्शन के लिए। हमने भी ये वाली तो लग रहा बिल्कुल मैचिंग चलते हैं प्रोग्राम में आप जा रहे हैं अपना रेडी हो गए अब चलते हैं चलो चलो एक सेकंड पीछे से रुकना ग्राउंड ग्राउंड पे जाना है। अच्छा शरारत स्मार्ट लग रहे हो आपको कह रही हूँ हीरो और ये हमारा ये दूसरा हीरो ये तीसरा हीरो एक ये चौथा हीरो सब हीरो ही है हमारे घर में। चलिए जी आ गए किधर से था इधर से एंटर तो दोस्तों कम से कम 5-10 मिनट का रास्ता है यहाँ से गाड़ी में बैठ के फिर चलते हैं चलते हैं रख दे पीछे रख दे इसमें साथ साथ इसमें डाल डिग्गी में डाल दे तो वहाँ रख दे तो दोस्तों जैसे ही हम लोग पहुंचे यहाँ पर लगन और सगाई का प्रोग्राम चल रहा था और लगन सगाई होने के बाद फिर यहाँ पर डांस वगैरह कर रहे थे। एंकर जो है सबको डांस करा रही थी और सबने खूब एंजॉय किया खूब मस्ती की खूब धमाल किया और पतिदेव देखिए खूब मस्ती में डांस कर रहे हैं और बहुत मज़ा आया बहुत ज़्यादा इंजॉय किया सब ने। और पतिदेव ने तो अकेले में भी डांस किया था जो सिंगल मैंने उनकी वीडियोस बनाई थी तो बहुत अच्छे से किया था अनिल कपूर का जो सॉन्ग था रम पम 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 रम पम 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 ए जी ओ जी लो जी सुनो जी मैं हूँ मन मोजी। तो दोस्तों इस सॉन्ग पर किया पतिदेव ने डांस और बहुत ही मस्त कमाल का डांस किया मुझे बहुत पसंद आया इनका डांस बहुत कम करते हैं आप लोगों ने देखा भी होगा डांस नहीं करते लेकिन जैसे ही मैंने स्टार्ट किया डांस करना मैंने फटाफट से इनकी वीडियो शूट की। तो देखिए दोस्तों हमारे दूल्हा दुल्हन की एंट्री और ये है यहाँ संगीत का प्रोग्राम है ना तो इसलिए इन्होंने ये वाली ड्रेस पहनी है और बहुत ही प्यारे लग रहे थे हमारे दूल्हा दुल्हन ये मेड फॉर ईच अदर कह सकते हैं इनको और इतने प्यारे लग रहे। उसके बाद फिर यहाँ पर हुआ डांस दूल्हा दुल्हन का हुआ और मतलब और परफॉर्मेंस हुई थी काफ़ी सारी तो हमें भी बोला गया था कि आप भी एक परफॉर्म कर दीजिए तो समझ ही नहीं आ रहा था कुछ भी अचानक से जैसे बोल दे कोई तो समझ नहीं आता ना कि क्या करें किस सॉन्ग पे करें बिल्कुल कोई सॉन्ग समझ ही नहीं आ रहा था। वैसे हम कितनी सारे वीडियोस बनाते हैं रील्स बनाते हैं लेकिन जैसे कोई बोल दे अचानक से तो समझ नहीं आता। फिर हमने एक सॉन्ग सूझा हमें तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है फिर हमने इस पर परफॉर्म किया तो बस जो हुआ हमसे वैसे कर दिया हमने। ये छोटी सी डांस क्लिप है तो ज़्यादा अच्छे से नहीं बन पाई थी क्योंकि ना जैसे शगुन ने शूट किया था शगुन पीछे की तरफ था तो अच्छे से नहीं बना पाया था तो फोटोग्राफर वाले भैया को बोला है जैसे ही भैया जैसे ये कंप्लीट हो आपकी और जैसे ही बन जाए तो हम लोगों को दे देना तो उस वीडियो को हम लोग शेयर करेंगे। तो दोस्तों फिर बताना आप लोग कैसी लगा हमारा डांस ज़्यादा अच्छे से तो नहीं किया क्योंकि एकदम से अचानक से किया ना तो तैयारी भी नहीं थी कुछ भी तो जैसे भी जो हुआ बस अपना कर दिया जो आ रहा था मन में बस कर ही दिया।
तो बहुत जल्दी ही आप लोगों तक पहुंचेगी डांस वाली वीडियो। इस सॉन्ग पे हमने फर्स्ट टाइम मतलब परफॉर्म किया है, तुम सा कोई प्यारा तुम कोई मासूम नहीं है, तो बहुत मज़ा भी आया करने में इस गाने पे, अच्छा लगा। और क्योंकि मैं पहले काफ़ी टाइम पहले सोच भी रही थी इस सॉन्ग पे करने के लिए, तो तब मौका नहीं मिला था। आपकी केमिस्ट्री, आपका गेटअप, आपकी स्माइल, हर चीज परफेक्ट एकदम, मुझे लग रही बहुत प्यारी लगी। थैंक यू। और डांस वगैरह करने के बाद फिर हम आ गए इधर, अपना फोटो वगैरह क्लिक की हमने। ये हमारी ननद है, नैनीताल में रहती है, मैंने दिखाया भी था पहले भी ब्लॉग में, तो ये राखी पे आई थी ना, तो ये हमारी नंदोई है। और बहुत कम मिल पाते हैं हम लोग, क्योंकि एक तो दूर रहते हैं, कभी कभी आना होता है इनका, ये भी इतना नहीं आ पाते, हम लोग भी नहीं जा पाते। और यहाँ सब ने फिर अपना फोटो वगैरह क्लिक की, पीछे बच्चे अपना देखिए फोटो वगैरह क्लिक करने लग रहे हैं, तो अपना अच्छा लगता है। सब लोग मिलते हैं तो यही एक टाइम होता है जहाँ पर मतलब सब रिलेटिव मिल जाते हैं, नहीं तो देखिए कहाँ आज के टाइम में किसके पास टाइम है, सब इतने बिजी हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि अपना मतलब बीच में कोई जरूरत होती है तभी कोई मिलने जाता है, नहीं तो सब बिजी हैं। तो यही टाइम होता है जहाँ पर सब रिलेटिव इकट्ठे आते हैं, तो ज़्यादातर हमें मोस्टली यही होता है, अगर कहीं फंक्शन है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि वहाँ जाएँ, जिससे कि सब लोगों से मुलाकात हो जाती है, अदरवाइज फिर ऐसे ही रह जाता है कि बहुत कम होता है मिलना। तो हम पूरी कोशिश करते हैं जब भी हमारा फंक्शन में हमें कहीं भी मिले जाने का मौका मिलता है, हम छोड़ते नहीं हैं। तो सब लोग, तभी पूरी फैमिली गई थी हमारी, तो सब लोग गए थे, मम्मी पापा वगैरह सब। तो उसके बाद फिर यहाँ हमने खाना वगैरह खाया, खाना वगैरह खाने के बाद मुझे यहाँ दिखे कुल्लड़, और कुल्लड़ वाली मैंने कहा यार चाय पी जाए कुल्लड़ वाली, तो फिर मैं यहाँ पर आ गई चाय पीने के लिए। पतिदेव को बोला क्या पियोगे, कि नहीं मैं तो नहीं पी रहा, तो मैं पीनी है तो तुम पी लो, तो मैंने कहा यार पी लेते हैं चाय, कुल्लड़ वाली चाय तो ऐसे ही मस्त लगती है। तो फिर जैसे ही भैया ने वो चाय की, तो वो कुल्लड़ थोड़ा सा नीचे से चटका हुआ था, उसमें से चाय निकल रही थी, तो भैया ने दूसरा चेंज किया कुल्लड़, तो उसके अंदर भी नीचे से थोड़ा सा टपक रही थी चाय। तो यार फिर मैंने कहा भैया रहने दो आप, मेरी ड्रेस ही खराब हो जाएगी चाय के चक्कर में, रहने देते हैं। तो ये पति देव बोले रहने दो यार, तो मत पियो। उसके बाद फिर हमने नहीं पी, और वहाँ से उसके बाद चले गए हम अपने रूम पर। और तो आ गए अपने रूम पर, और बच्चे इतने थक गए हैं कि आते ही अपना देखें कैसे बैठा है कैसे बैठा है सब तक थक गए हैं बहुत ज़्यादा। इनकी शक्ल देखो, 12 से बज गए हैं, सब उनकी शक्ल पे भी देखो तो बस अपना सब थक गए बच्चे, चलो बेटा चेंज करके फिर अपना सो लो।